सुप्रभात बच्चों, आज संस्कृत में पढ़ेंगे नीति श्लोकाः। तो नीति श्लोक आप लोग और भी पढ़ चुके हैं और जानते भी हैं कि नीति श्लोक हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। नीति श्लोक को केवल एग्जाम में पास होने के लिए या नंबर स्कोरिंग अच्छा हो इसके लिए नहीं लर्न करते या समझते, बल्कि जीवन में आत्मसात करने के लिए इसको दिया हुआ रहता है, जिससे हम अपने जीवन में भी जो है इस चीज़ को जो दिया गया है नीति श्लोक में उसको अमल करें और जो हाई अचीव है, हायर सफलता है, सफलता की जो सीढ़ी है उस पर हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो चलिए पढ़ते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसने च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। काल मीन्स होता है समय। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। जो धीमताम बुद्धिमानों का जो समय होता है वो किस में जाता है? काव्य शास्त्र के मनोरंजन में व्यतीत तो होता है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे काव्य शास्त्र के मनोरंजन में व्यतीत तो उनका समय जो है काव्य शास्त्र को पढ़ने में, अच्छी अच्छी जो पुस्तकें को पढ़ने में उनका समय व्यतीत तो होता है। और व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। इसके विपरीत जस्ट जो मूर्ख मूर्ख लोग होते हैं, मूर्खों का जो समय होता है वो किस में कटता है? तो व्यसनेन, व्यसन अनेक प्रकार की जो नशा होती है, निद्रा और कलह लड़ाई झगड़े में ही व्यतीत तो होता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को चाहिए कि वह बुद्धिमानों की तरह किस में अपना समय व्यतीत करे? अच्छे कार्यों में व्यतीत करे, ना कि मूर्ख के समान व्यसन निद्रा और कलह लड़ाई झगड़े में समय व्यतीत करे। तो भलाई इसी में है कि अपना समय अच्छे कार्यों में व्यतीत करना चाहिए। नेक्स्ट है, न कश्चित कश्चित मित्रम, न कश्चित कश्चित रिपु, व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपुः तथा। न कश्चित कश्चित मित्रम, ना कोई किसी का मित्र होता है, ना कश्चित कश्चित रिपु, रिपु मीन्स होता है शत्रु, दुश्मन, वैरी, है ना। ना कश्चित कश्चित रिपु, ना तो कोई किसी का मित्र होता है और ना ही कोई किसी का दुश्मन। व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपु, तो व्यवहार से ही कोई किसी का मित्र होता है और व्यवहार से ही कोई किसी का शत्रु बनते हैं। तो इस प्रकार से क्यों? क्योंकि आप लोगों ने ये बारीकी से देखा, महसूस किए होंगे कि जो छोटा सा बालक रहता है वो सबका चहेते होते हैं, उनसे उन्हें सब प्यार करते हैं, क्योंकि वो तो छोटा सा बालक है, उनको व्यवहार तो अभी पता ही नहीं है किससे क्या करना है। और जैसे ही हम बड़े होते हैं तो अपने हमारी व्यवहार जैसी होती है उसके अनुसार से ही हमारे मित्र और शत्रु बनते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है इस नीति श्लोक का कि हमारा जो है व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि कोई हमारा शत्रु हमारी वजह से किसी को हर्ट ना पहुँचे और हमारी वजह से हमारा व्यवहार रूखा नहीं होना चाहिए। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? संयमित होना चाहिए। हमारा व्यवहार जो है संयमित और कैसा होना चाहिए? तो शील होना चाहिए, अच्छा आचरण युक्त व्यवहार होना चाहिए। दूसरे को हमारी बातों से ठेस नहीं पहुंचना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि हम अपने व्यवहार से कम किसी को खुश ना कर सके तो किसी को दुख भी ना पहुंचाए, ऐसा प्रयास होना चाहिए। नेक्स्ट है, उस समय व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे शमशाने च या तिष्ठति सा बांधव। उस समय व्यसने चैव दुर्भिक्षे, उस समय में मुसीबत में, व्यसने चैव दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, मुसीबत में राष्ट्र विप्लवे, उस समय मुसीबत में अकाल में राष्ट्र में विद्रोह होने पर, राष्ट्र में कुछ विद्रोह हो गया ऐसा, राजा के दरबार में राजद्वारे शमशाने और शमशान में जो सांत रहता है, चाहे यह तिष्ठति सा बांधव, शमशान में जो सांत रहता है वही क्या होता है? बांधव, वही भाई होता है, बंधु भाई होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय जो सुख दुख सभी स्थिति में
जो हमारा साथ दे वही वास्तविक में बंधु होता है, भाई होता है, अन्यथा सुख में तो दूसरे लोग भी आ जाते हैं और अनेक प्रकार से जो है भीड़ इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन वह सुख के साथ में दुख के समय में जो हमारे साथ रहे, दुख के समय में हमारा जो साथ दे वही वास्तविक जो है अपना होता है, ये कहने का तात्पर्य इस नीति श्लोक का है। इसलिए सुख दुख दोनों ही स्थिति में हमें जो है समान होना चाहिए, और यदि हम किसी का सुख में, और प्रयास तो यहाँ इतना होना चाहिए किसी के सुख में यदि हम वहाँ पर टाइम स्पेंड नहीं किए, टाइम नहीं दिए तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी का दुख में यदि शामिल हो गए तो उनको बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव होता है। इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और पहचानना भी चाहिए कि कौन अपना है कौन पराया, ये जो है नीति श्लोक से स्पष्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है, परोक्षे कार्यहं तारं प्रत्यक्ष प्रियवादिनं वर्जेत तादृशं मित्रं विस्कुम्भं पयोमुखं। परोक्षे कार्यहं तारं, परोक्ष में काम खराब करने वाला, परोक्ष में काम खराब करने वाला अर्थात बाहर में सामने में नहीं अप्रत्यक्ष रूप से काम खराब करने वाला, और प्रत्यक्ष प्रियवादिनं, प्रत्यक्ष में मीठा बोलने वाले अर्थात सामने में तो बहुत मीठा बोलता है और पीठ पीछे बुराई करने वाला, ये शब्द में समझ सकते हो। वर्जेत तादृशं मित्रं विस्कुम्भं पयोमुखम्, ऐसे जो मित्र होते हैं उन्हें उसी प्रकार से छोड़ देना चाहिए जैसे विस्कुम्भं पयोमुखम्, मुख पर दूध लगे हुए विष के घड़े को, यदि कोई जहर का घड़ा हो और ऊपर में जो है दूध का लेपन करके मुख पर दूध लगा करके उसके घड़े के ऊपर में हम रख दें तो कोई समझेंगे कि ये तो दूध भरा हुआ है लेकिन अंदर में तो जहर है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति, ऐसे मित्र जो सामने में तो वाहवाही करता रहता है लेकिन पीठ पीछे जो हमारा क्या है भला नहीं चाहता है, बुराई करता रहता है, ऐसे मित्रों से दूर ही रहना चाहिए। नेक्स्ट है, दुर्जनाः परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सन मरिना भूषिता सर्पः किंसो न भयंकरः। दुर्जनाः, दुर्जनाः मीन्स होता है दुष्ट व्यक्ति, परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सन, दुष्ट व्यक्ति यदि परिहर्तव्य विद्या अलंकृतो अपि सन, यदि दुष्ट व्यक्ति कितना भी विद्या से अलंकृत हो पर भी परिहर्तव्यो उसका त्याग कर देना चाहिए। कैसे व्यक्ति का, यदि विद्या से अलंकृत होने पर भी यदि वो दुष्ट व्यक्ति है तो उसका त्याग देना चाहिए। क्यों, उनको क्यों त्यागना चाहिए, जैसे मरीना भूषिता सर्पा किम सौना भयंकर, मणि से भूषित, मणि से सजा हुआ सर्प भी क्या भयंकर नहीं होता, वो बहुत भयंकर होता है। इसीलिए कोई व्यक्ति विद्या से अलंकृत हो किंतु उनका स्वभाव दुर्जन का हो, उनका स्वभाव जो है दुष्ट स्वभाव का हो, तो व्यक्ति अपनी जो स्वभाव को नहीं त्यागता, जैसे आप सर्प को कितना भी दूध पिलाओ किंतु वो अपना स्वभाव नहीं त्यागता, उसी प्रकार से जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे अपना स्वभाव नहीं त्यागते, इसीलिए उनका त्याग कर देना में ही हमारा भलाई होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, बालो वा यदि वा वृद्धो युवा वा गृहमागत तस्य पूजा विधातव्या सर्वस्याभ्यागतो गुरु। बालो वा यदि वा वृद्धो, बालक हो वृद्ध हो अथवा युवक हो, अथवा बालक हो वृद्ध हो अथवा युवक हो, घर में युवा गृहमागत, गृहमागत मीन्स घर में आए हुए की यथावत पूजा करनी चाहिए, यथा समर्थ उनका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तस्य पूजा विधातव्य, उनका क्या करना चाहिए, पूजा मीन सम्मान करना चाहिए, यथा योग्य सम्मान देना चाहिए, चाहे वो बालक हो वृद्ध हो या युवक हो। सर्वस्य अभ्यागतो गुरु, इसलिए क्योंकि अभ्यागत गुरु होता है, अतिथि देवो भव, इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए, ये कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्योंकि आपको सम्मान किसी का करते हो तो नुकसान तो है ही नहीं इसमें, लेकिन
कोई भी व्यक्ति हो यदि आपके घर में आए हो तो उन्हें ऐसे कहावत में ये भी कहा जाता है कि यदि आपके दुश्मन भी आपके घर में आए हो तो उनको और ऊंचा सिंहासन देना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि अभ्यागत गुरु होता है, उनका सम्मान करना चाहिए। ये हमारे नीति श्लोक के अनुसार कथन है, इसलिए हमें भी ऐसा करना चाहिए और किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए, हमेशा आदर ही करना चाहिए। यदि वो कहाँ का सेंटेंस है, गृह आगतो, यदि आपके घर में कोई भी मेहमान आए हो, अभ्यागत हो, जो आपके घर में अतिथि के रूप में आए हैं, उनका तिरस्कार ना करके उन्हें सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट है अहिंसा परमो धर्मः तथा अहिंसा परो धर्मः। अहिंसा परमो यागोतो अहिंसा परम श्रुतम। अहिंसा परम धर्म होता है, अहिंसा परम धर्म होता है और अहिंसा परम दम है, अहिंसा परम यागः यज्ञ है और अहिंसा परम श्रुतम, अहिंसा ही परम शास्त्र है। कहने का तात्पर्य है, इसलिए है ना, जो सभी धर्म का एक ही नारा होता है अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। गांधी जी ने भी कहा था, महात्मा गांधी ने, कि सत्य और अहिंसा उनका एक शस्त्र थे और शास्त्र भी थे। कहने का तात्पर्य है, सत्य और अहिंसा से ही उन्होंने अनेक जो है सफलता हासिल किए थे और सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही हम किसी निष्ठुर से निष्ठुर व्यक्ति को भी हम पिघला सकते हैं। तो ये अहिंसा जो होता है, अहिंसा किसे कहेंगे, तो अहिंसा का परिभाषा कहा गया है कि हम किसी का जो है हत्या करते हैं उसी को ही हिंसा नहीं कहा जाता है, है ना। मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से और कर्म से किसी को क्या नहीं पहुंचाना, हानि नहीं पहुंचाना, मन वचन कर्म से किसी को दुखी नहीं करना, ये अहिंसा होता है। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में ये हिंसा हो जाए, परम धर्म यदि हमारे जीवन में यदि आ जाए, हम इसे जो है क्रमशः धीरे धीरे अपने जीवन में यदि इस गुण का विकास कर लें तो कभी किसी दूसरे को आप ठेस नहीं पहुंचाओगे तो आपको भी कोई ठेस नहीं पहुंचाएगा और एक न एक दिन आप क्या हो जाएंगे, स्वयं में आनंदित रहना सीख जाओगे। तो ये एक अहिंसा परमो धर्म का गुण है। इस प्रकार से आप लोगों का नीति श्लोक चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें किसी भी कोई भी श्लोक यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो आप लोग मीटिंग में कंसल्ट करिएगा। ओके, इसमें का एक्सरसाइज अभ्यास कार्य शॉर्ट में दिया है तो चलिए कर लेते हैं। एक पदेन उत्तरत मित्राणि कथम जायन्ते, तो मित्राणि मित्र किससे बनते, तो व्यवहारेण। अभ्यागत हो कस्य गुरु सर्वस्य, अभ्यागत किसके गुरु होते, तो सबका गुरु होते हैं। धीमताम काल केन गच्छति काव्य शास्त्री विनोदेन, बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्र विनोदेन विनोद में जाता है, काव्य शास्त्र के अध्ययन में जाता है। निद्रा कलहेन व्यसनेन चा, निद्रा कलहेन व्यसनेन वाकीशाम कालम गच्छति मूर्खाणाम, इसमें किसका समय व्यतीत होता है, मूर्खों का, मूर्खाणाम। विपरीतार्थक शब्द को लिखना है, धीमताम मूर्खाणाम, प्रत्यक्ष परोक्षे, हिंसा हिंसा, सज्जन दुर्जन, रिपु मित्रम, बालः वृद्धः। इसलोकांसान मेलनम गुरु दुर्जना परिहर्तव्य विद्य अलंकृतोपि सन् तस्य पूजा विधातव्य सर्वस्य अभ्यागतो गुरु। हिंसा परमो धर्मः तथा हिंसा परो धर्मः, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। विभक्ति वचनम च लिखा, विभक्ति और वचन के लिखना है, रिपु का प्रथम विभक्ति एक वचन, उत्सवे सप्तम विभक्ति एक वचन, सर्प प्रथम विभक्ति एक वचन, पूजा प्रथम विभक्ति एक वचन, विद्या तृतीय विभक्ति एक वचन। अन्वयपुर्यत न कश्चित कश्चित मित्रम न कश्चित कश्चित रिपु व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपु तथा अन्वय कश्चित 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 मित्रम न कश्चित कश्चित रिपु न व्यवहारेण मित्राणि तथा रिपु जायन्ते। इस प्रकार से क्रियाकलाप में भी कुछ आप लोगों का दिया हुआ देख लेते हैं। श्लोकों को कंठस्थ कर प्रार्थना समय में सुनाएं, तो श्लोक को कंठस्थ करके आप लोग मीटिंग में बताएंगे मुझे, और कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मीटिंग में कंसल्ट करिएगा। ओके।